तो दोस्तों अभी LIC के IPO के अलावा तीन और IPO आने वाले हैं, जिनमें से एक IPO है जो 10 मई से लेकर 12 मई के बीच में ओपन रहेगा, प्रूडेंट कॉर्पोरेट का IPO। प्रूडेंट कॉर्पोरेट जिसका मेन काम है वेल्थ मैनेजमेंट का, वेल्थ मतलब जो पैसा मैनेज करती है उसका ये मेन काम है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे प्रूडेंट के IPO का। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, मतलब इस पर अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे ये कंपनी काम क्या करती है, इसका फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और इसके पीयर कंपटीटर्स के बारे में। फिर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस IPO की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। तो दोस्तों आज की तारीख में अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 30 रुपए पर शेयर बता रहा है, मतलब एक शेयर पर हमें 30 रुपए जैसा फायदा बता रहा है। ये 23 मतलब 23 शेयर्स का ये लॉट है, 30 × 23 करते हैं तो लगभग 690 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 4% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम, पर बहुत कम चल रहा है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो मार्केट डाउन है अभी, मार्केट वॉलेटाइल चल रहा है, इस कारण क्या है कि सारे ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर भी इफेक्ट है। और देखिए दोस्तों मैं आपको डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर अपडेट देता रहता हूं, तो क्या है कि आप पहले दिन ना अप्लाई करें, दूसरे और तीसरे दिन ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखकर उसके बाद आप कोई फैसला ले सकते हैं। और दोस्तों आपको बेल आइकन पर दबाने के बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हैं, इससे आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों जो लोग भी म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो उन लोगों ने प्रूडेंट का नाम तो जरूर ही सुना होगा। तो दोस्तों आप लोगों में से ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने प्रूडेंट का नाम पहले सुन रखा है, या ऐसे कौन से लोग हैं जिन लोगों ने पहली बार इसका नाम सुना है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए दोस्तों मेन जो इसका काम है म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड के रिलेटेड और भी कंपनीज है जो कि शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है, जिनको AMC कंपनीज बोलते हैं। तो ये इंडिया की टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज में इसका नंबर आता है इन टर्म्स ऑफ AUM, मतलब जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, मतलब जो भी पैसा अपने अंडर में ये मैनेज करती है, उस हिसाब से ये इंडिया की टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंदर इसका नंबर आता है। और अभी आदित्य बिरला सनलाइफ AMC का भी IPO आया था, जो कि म्यूचुअल फंड रिलेटेड काम करती है। UTI AMC का भी IPO आया था, HDFC AMC पहले से लिस्टेड है, निपॉन AMC पहले से लिस्टेड है। तो ये सारी जो है टॉप कंपनीज है, और प्रूडेंट का नंबर भी हम टॉप 15 के अंदर मान सकते हैं। और इसका अगर टोटल AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो 48,411 करोड़ रुपए का AUM है इसके पास, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और इंडिया की नंबर वन जो AMC कंपनी है SBI, जिसके पास जो AUM है मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट है 5.78 लाख करोड़ रुपए। आदित्य बिरला के पास 3 लाख के आसपास, और UTI AMC के पास लगभग 2 लाख के आसपास। तो जो ये टॉप 10 कंपनीज है उनसे थोड़ी ये छोटी कंपनी है, पर ओवरऑल ठीक ही है इसका AUM। और म्यूचुअल फंड के अलावा और भी काफी सारे इसके काम है, जिसके अंदर क्या है कि ये इंश्योरेंस सेल करती है, जो कि इसकी वेबसाइट है policyworld.com। फिर दोस्तों स्टॉक ब्रोकिंग का भी काम है, जैसे एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक्स वगैरह है, उस तरह का इसका भी काम है। इसके अंदर इसका जो ब्रांड है वाइज बास्केट और प्रू बाजार। फिर दोस्तों ये फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उस पर भी ये कंपनी काम करती है, जिसके अंदर क्या है कि बॉन्ड है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, और इस नाम से इसकी जो वेबसाइट है फंड्स बाजार, और म्यूचुअल फंड भी ये फंड्स बाजार पर सेल करती है। फिर दोस्तों ये प्रॉपर्टीज का भी काम करती है प्रूडेंट प्रॉपर्टीज नाम से। फिर दोस्तों ये लोन भी प्रोवाइड करवाती है क्रेडिट बास्केट के नाम से, जिस तरह से पॉलिसी बाजार पर भी हमें लोन मिलता है, उस तरह से ये लोन भी प्रोवाइड करवाती है क्रेडिट बास्केट वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये प्रूडेंट कॉर्पोरेट जो कंपनी है काफी सारे काम करती है, इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। पर्सनली मुझे ये कंपनी जो है काफी अट्रैक्टिव और डिमांडिंग नजर आ रही है फ्यूचर के अंदर, पर इसके और भी हमें फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि ये कंपनी कैसी है, और इसके अलावा इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वगैरह कैसे हैं। तो अब दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी काम क्या करती है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों ऐसे IPOs वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है, जीरोधा और अपस्टॉक्स पर कुछ चार्जेस हैं, और अभी अपस्टॉक्स पर भी कुछ दिनों के लिए फ्री का ऑफर है, तो उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और इसके पीयर कंपटीटर्स के बारे में। तो दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स अगर देखें तो 2019 से लेकर 2021 तक इसके जो टोटल एसेट्स हैं वो लगातार बढ़े हैं। अभी FY22 के 6 महीनों के भी देखें तो एसेट्स बढ़े हैं। फिर दोस्तों अगर इसका रेवेन्यू देखें 2019 से लेकर 2021 तक वो भी बढ़ा है। फिर दोस्तों इसके प्रॉफिट की बात करें, मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद जो इसके हाथ में प्रॉफिट बचता है, तो 2019 के अंदर जो इसका प्रॉफिट था 21 करोड़ रुपए के आसपास, और 2020 के अंदर जो इसका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 27.8 करोड़ रुपए के आसपास, और 2021 के अंदर जो इसका प्रॉफिट है 45.2 करोड़ रुपए का। मतलब प्रॉफिट के अंदर भी लगातार ग्रोथ है, रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, और एसेट्स भी साल दर साल बढ़ रहे हैं। और अभी 6 महीनों का प्रॉफिट देखे तो 57.6 करोड़ रुपए का है, तो इस हिसाब से देखे तो 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट जनरेट कर सकती है FY22 के अंदर,
जो कि बहुत जबरदस्त बात है। मतलब इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर बहुत जबरदस्त उछाल हमें देखने को मिल रहा है, ये इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसके फाइनेंशियल्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं और उसके अलावा इसके ऊपर डेप्ट, मतलब जो उधारी की बात करें तो 12.6 करोड़ रुपए की है। तो इसके नेट प्रॉफिट को देखते हुए इसकी उधारी जो है काफी कम लग रही है, तो इस हिसाब से हम उसको डेप्ट फ्री कंपनी मान सकते हैं। तो दोस्तों ये फाइनेंशियली मजबूत कंपनी नजर आ रही है और इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखे तो 26.83% का है, अर्निंग पर शेयर को देखे तो 8.56 का है और FY22 की अर्निंग के हिसाब से अगर इसका PE निकालें तो 33.94 का है। फिर दोस्तों अगर म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री वाली कंपनीज है उनका अगर इंडस्ट्री का PE देखें तो 26 के आसपास है और इसका है 33.94 का, और लोन पॉलिसी वगैरह जो सेल करती है जैसे पॉलिसी बाजार है तो उनकी इंडस्ट्री का जो PE निकल कर आ रहा है लगभग 23, मतलब 23 का। तो इन दोनों इंडस्ट्री का देखें तो उनसे ये शेयर जो है थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। फिर दोस्तों आदित्य बिरला सनलाइफ AMC का अगर PE देखें तो 21.4 का है, HDFC का है 30 का, UTI AMC का है 18.5 का। तो इन सभी से ये शेयर जो है थोड़ा महंगा नजर आ रहा है, तो वैल्यूएशंस वाइज थोड़ी सी महंगी कंपनी नजर आ रही है। पर ये अलग अलग सेक्टर के अंदर काम करती है, मतलब वो जो कंपनियां हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड सेक्टर के अंदर काम करती है या पॉलिसी बाजार जो कंपनी है लोन या पॉलिसी वगैरह सेल करने के अंदर काम करती है, पर इसका सेक्टर थोड़ा थोड़ा क्या है कि अलग है। पर फिर भी अगर PE वाइज देखें तो थोड़ा सा ये शेयर जो है महंगा नजर आ रहा है। फिर दोस्तों बात करते हैं इस IPO की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये IPO जो ओपन होगा 10 मई से लेकर 12 मई के बीच में और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 595 से लेकर 630 रुपए के बीच में, इसका प्राइस बैंड थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। और अभी हमने इसका PE वाइज कंपैरिजन भी देखा जिसके अंदर भी ये थोड़ी कंपनी महंगी नजर आ रही है और इसके एक लॉट के अंदर 23 शेयर होंगे, मतलब 23 शेयर्स होंगे जिसके अंदर मिनिमम हमें 14,490 रुपए एक लॉट के पीछे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और मैक्सिमम हम 2 लाख के अंदर में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो इश्यू साइज है वो है 538 करोड़ रुपए का, इसका इश्यू साइज काफी बराबर लग रहा है। और दूसरा ये पूरा IPO जो OFS के अंदर होने वाला, मतलब ऑफर फॉर सेल के अंदर होने वाला, जिसके अंदर जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे, मतलब जो ये पैसे जुटाएंगे वो कंपनी की ग्रोथ के लिए काम नहीं आएंगे, प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। हालांकि इस कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए पैसों की जरूरत ज्यादा नजर नहीं आ रही है, तो OFS के अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दोस्तों रिटेल पोर्शन जो है 35% का और इसके जो प्रमोटर हैं वो है संजय शाह। और दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट हमें पता चलेगा 18 तारीख को और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 23 तारीख को और इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस आएगा लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये तो हुई IPO की डिटेल्स, अब बात करते हैं कि इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं इस IPO के अंदर लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम हमने देखा तो बहुत कम चल रहा है, लगभग 4% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है पर बहुत कम है। और अभी मार्केट की कंडीशन देखते हुए लग रहा है कि अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम और कम रह सकता है और आज की तारीख में अगर देखें तो ये कंपनी जो है लिस्टिंग गेंस के हिसाब से थोड़ी रिस्की नजर आ रही है। और बाकी दोस्तों ये IPO खुलने के बाद पता चलेगा कि मार्केट की कंडीशन वगैरह कैसी रहती है और उस हिसाब से मैं आपको डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर अपडेट देता रहूंगा, इससे आपको पता चल पाएगा कि इसकी डिमांड वगैरह कैसी है, तो उसके बाद आप आसानी से फैसला ले पाएंगे कि इस IPO में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। और दोस्तों अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमैट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस कंपनी का काम बहुत बढ़िया है, इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफी बढ़िया है, ये जो भी काम करती है काफी डिमांडिंग है, फ्यूचर के अंदर भी इसकी अच्छी डिमांड रह सकती है, इसके फाइनेंशियल्स काफी बढ़िया है, इस कंपनी के ऊपर डेप्ट भी नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है, पर इसका जो प्राइस बैंड है वो थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। अगर हम PE वाइज भी कंपेयर करें तो ये कंपनी जो है थोड़ी सी महंगी नजर आ रही है, थोड़ी ज्यादा वैल्यूएशंस मांग रही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो नियर फ्यूचर हमें करेक्शन होता हुआ भी देखने को मिल सकता है इस शेयर के अंदर। बाकी ये पर्सनली मेरी राय है और कोई भी डिसीजन लेना है तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस साथ में लगा कर लेना। और AMC कंपनी के इंडस्ट्री PE से भी हमने कंपेयर किया और पॉलिसी बाजार जैसी कंपनीज है उनके PE से भी हमने कंपेयर किया, तो उन दोनों से ये शेयर जो है थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। और बाकी ओवरऑल ये कंपनी ठीक नजर आ रही है, अगर इसका प्राइस बैंड को नजरअंदाज करें तो बाकी ओवरऑल ये कंपनी ठीक है, पर मेन तो प्राइस बैंड ही आता है। तो अभी के हिसाब से अगर देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी थोड़ा महंगा शेयर नजर आ रहा है। और बाकी दोस्तों मैं इसके ऊपर फाइनल डिसीजन जो है इसके ओपन होने के बाद दूसरे और तीसरे दिन दे पाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन जो है क्लियर हो गया होगा प्रूडेंट के IPO पर। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका क्या डिसीजन है, क्या आप इस IPO में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।